हेलो एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जहां पर मैं अपने घर को स्टाइल करने वाली हूं बहुत सारे ऐसे ट्रेंडी आइडिया से जो आपको मैगजीन, इंस्टाग्राम, नहीं तो पिंटरेस्ट पे ज़रूर देखने मिले होंगे। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, डूएबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द DIY। एंड दिस DIY वॉज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द इंटरनेट। जहाँ देखो मुझे ये DIY आइडिया जरूर दिखता था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ ना। फॉर दिस वॉट यू नीड, आपको सिर्फ कार्डबोर्ड रोल्स चाहिए और कार्डबोर्ड ही अकेला चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपल से रोल्स का इस्तेमाल किया है जिन्हें हम साथ में स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर हॉट ग्लू गन, क्योंकि हॉट ग्लू गन से ना जल्दी से स्टिक हो जाता है और रुकना नहीं पड़ता है कि यार ये ड्राई हो जाए फिर हम इस पे और काम कर सकें। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ऑलवेज ट्राई टू यूज हॉट ग्लू गन अगर जल्दी काम करना है तो। और करते करते देखें मैंने कैसे गलत इसे स्टिक कर दिया है, जो MDF बोर्ड है। तो मुझसे भी गलतियां होती है और मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, DIY बनाते ही शूट करने लगती हूँ। मैं पहले से कुछ भी ट्राई नहीं करती हूँ, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसे ड्राई होने के बाद जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए, इस पे वॉल पुट्टी अप्लाई करना है। वॉल पुट्टी अप्लाई करने से ना इसमें एक टेक्सचर मिलेगा, तो हमारे पास ये टेक्सचर्ड DIY एंड टेबल रेडी हो जाएगी। और इसे आप इस एज इट इज़ वाइट भी रहने दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना, आई डोंट नो वाई बट आई एम ऑब्सेस्ड विथ टेराकोटा पेंट राइट नाउ, तो मैंने इसमें अगेन टेराकोटा पेंट ही अप्लाई किया है। अगर आपको नहीं पसंद आया है तो आप वाइट ही रख सकते हैं, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि वाइट अच्छा लग रहा है कि टेराकोटा कलर के साथ। ओके, वो DIY कैसे मैं यूज़ करूँगी वो आपको लास्ट में देखने मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अभी ना मैं ये विंडो स्टाइल करने वाली हूँ, बहुत ही पिंटरेस्ट वर्दी, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, मैगजीन एंड पिंटरेस्ट वर्दी ये पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इट्स मॉनसून टाइम यार, तो मुझे यहाँ शीयर कर्टन्स विद फ्लोरल प्रिंट चाहिए ताकि मॉनसून का वो जो फीलिंग है, वाइब्स मैं फील कर सकूँ, रिमझिम वाला साउंड भी फील कर सकूँ। और इसके बाद हम ना इस पर बहुत ही प्यारा सा कुछ चीज़ हैंग करने वाले हैं। और हैंग करने के लिए मैंने कमांड हुक का यूज़ किया, लेकिन कमांड हुक में डायरेक्टली नहीं स्टिक करूँगी, उससे वॉल ख़राब हो जाएगी निकालने के टाइम। सिंस दी हैंगिंग्स आर सो लाइट इन वेट दैट आई एम गोइंग टू हैंग ओवर हेयर, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दिया है कमांड हुक के ऊपर, ताकि इसे निकालने के टाइम पे वॉल ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे मैंने 10 हुक्स फिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद ना हम यहाँ ये क्रिस्टल्स हैंग करने वाले हैं। ये बहुत ही प्रिटी हैंगिंग है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 10 पीसेज हैं जस्ट फॉर ₹400 समथिंग। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस तरीके से ये पिंटरेस्ट स्टाइल वाला विंडो भी हमारे पास रेडी होगा। और देखिए ना कितने क्यूट लग रहे हैं ये। बारिश वाली धूप इन पे जैसे ही पड़ती है ना, तो इनका जो ये रिफ्लेक्शन है वॉल और फ्लोर पे भी दिखता है और ये बहुत प्रिटी लगता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखिए नाइट व्यू, जब यहाँ पर हम डिनर करते हैं डाइनिंग पर बैठकर, तो ना यहाँ की फीलिंग ही अलग होती है, एंड स्पेशली इन द रेन ये बहुत ही अलग लगता है। मूविंग ऑन पिंटरेस्ट स्टाइल वर्दी, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट करने वाली हूँ, जिसे आप वैनिटी एरिया कह सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ऐसा ही कुछ है, बट मैं इसे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ और मैंने ना कुछ नया देख लिया था, तो मुझे इचिंग होने लगी थी कि इसे अब जल्दी से जल्दी चेंज करना है। फॉर दिस आई गॉट ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल और बेज कलर की केन, कह लीजिए केन प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने। तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं ना, कितना ब्यूटिफुल है, एंड इट इज़ ओनली फॉर ₹1000। कैन यू बिलीव, केन वाला प्रोडक्ट इतना सस्ता। अगर आप मेरे चैनल पर सब देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे और स्टाइलिंग आइडियाज़ भी बहुत ही डूएबल मैं शेयर करती हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो ये जो एरिया को मैंने फटाफट से चेंज करने का सोचा है और इसे हम क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये रनर स्प्रेड किया है, जिसे आप टेबल पर भी और एज अ फ्लोर रनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जूट का बना हुआ है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से सारी पेंटिंग्स रिमूव कर ली हैं और यहाँ पर मैं ये सिर्फ हैंग नहीं करूँगी, रखने वाली हूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, मैं वॉल ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैंने टेबल के ऊपर ही रख दिया है। उसके बाद हमने केन प्लांटर रखा है, जिसमें ये मैं फेक प्लांट रख रही हूँ। आप रियल प्लांट भी रख सकते हैं, बट ये फेक प्लांट एकदम रियल लगता है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। उसके बाद ये केन ट्रे है, ताकि मैं अपने डेली यूज़ होने वाले आइटम्स यहाँ पर रख सकूँ थोड़े एस्थेटिक तरीके में। कैसे लगे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स ज़रूर बताइएगा। अब बस प्लांट की कमी थी तो वो भी रख दिया। और स्नेक प्लांट बेडरूम में बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ये नाइट एंड मॉर्निंग दोनों ही टाइम पे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एंड लेट्स सी द फाइनल व्यू।
नाउ यू कैन मेक योर बेड ऑल्सो एस्थेटिक एंड पिंटरेस्ट स्टाइल वर्दी. कैसे? बस दो चीज़ें ऐड करनी है आपको. यहाँ पे सिंपल सा बेडशीट मैंने स्प्रेड करके ही रखा है. अब व्हाट यू नीड, अब मॉनसून का टाइम है, उसके बाद विंटर्स आने वाले हैं, तो हम दोहर या एसी ब्लैंकेट तो यूज़ करते ही है ना, तो हमारे पास वो बहुत सारे कलरफुल प्रिंटेड चीज़ों में अवेलेबल होती है. लेकिन अगर आप उसे एक सॉलिड कलर प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपको एक एस्थेटिक लुक मिलने वाला है. तो उसके लिए मैंने ड्यूए कवर लिया है विथ पिलो कवर्स ऑल्सो. ये साथ में आया है, बहुत ही यूनिक है और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है. लेकिन मैंने बताया ना, जैसे कि मुझे पिंटरेस्ट स्टाइल वर्दी बनाना है, एस्थेटिक बनाना है, तो मैंने यहाँ बेज कलर ही चूज़ किया है. इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं, आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छा है. चेन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है. तो मैंने अपनी दोहर इसमें फ़िट कर दी है और उसके बाद मेरा जो एस्थेटिक सा दिखने वाला बेड है वो तैयार है. So if you're crazy like me for home decoration, you must have seen these kind of duvet covers on bed, जिसमें rust color, beige color, black, checkered patterns ये काफ़ी ज़्यादा trending होते हैं और बहुत stylish लगते हैं. अभी आपने first DIY देखा था ना, अब हम एक second DIY बना रहे हैं अपनी table को style करने के लिए. यहाँ पर मैंने बहुत ही स्कैंडिनेवियन टाइप का एक मिरर बनाने की कोशिश करी है वाइट कलर में, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड और वेस्ट मटेरियल ही यूज़ कर रही हूँ. मतलब आप भी बना सकते हैं, कुछ नया लेने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया है, उसमें एक डिफरेंट शेप बना दिया है. अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले तो इसे कट कर लेते हैं. वो शेप को कट करने के बाद इस पे हॉट ग्लू गन लगाने के बाद हम वॉल मिरर जो होता है उसे स्टिक कर देंगे. आप कोई भी शेप का मिरर यूज़ कर सकते हैं, पुराना मिरर भी यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद क्या करना है, आपको पेपर्स लेने हैं, कोई भी पुराने पेपर्स हो सकते हैं. मैंने यहाँ ये जो बैग्स आते हैं, ग्रोसरी बैग्स, वो कलेक्ट करके रखे थे, उन्हें कट करके क्रश करके इसके ऊपर स्टिक कर दिया है, ताकि इसको ना थोड़ा सा एज मिल सके और उभरा हुआ एक टेक्सचर मिल सके. तो इस तरीके से हम स्टिक कर देंगे. स्टिक करने के बाद इसे थोड़ा सा और भी स्टर्डी बनाते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम सपोर्ट. तो सपोर्ट के लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस कार्डबोर्ड का डब्बा, जिसे मैं कट कर लूँगी और उसके बैक साइड में हम इसे स्टिक कर देंगे थोड़ा इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इसमें हमने मिरर स्टिक किया है. तो मिरर वैसे ही हैवी है, तो ये फ्लिम्जी ना हो, गिरे नहीं, टूटे नहीं. तो बस बैक सपोर्ट देने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिक करने वाले हैं टिश्यू पेपर. मतलब अगर आपको थोड़ा सा इसे टेक्सचर देना है तो टिश्यू पेपर आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली इसमें मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं. तो मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि इवन सरफेस बन जाए, क्योंकि इसके बाद जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. तो टिश्यू पेपर लगा दिया, और ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन बनने के बाद ना बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसे बनाने में. मास्किंग टेप लगा दिया है जब वो ड्राई हो गए थे टिश्यू पेपर्स. और इसके बाद हम ना अप्लाई करेंगे वॉल पुट्टी. यस, तो भाई आप वॉल पुट्टी वाला जो पाउडर आता है उससे भी बनाकर उसे अप्लाई कर सकते हैं. मैंने ये रेडीमेड वॉल पुट्टी यूज़ की है ताकि जल्दी से काम हो जाए. 90 रुपीज़ में अवेलेबल है हार्डवेयर शॉप में, आप भी चेक कर सकते हैं नियर बाय स्टोर में. तो वॉल पुट्टी लगाने में ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इस तरीके के काम करने से ना मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है. और इसके बाद ना वॉल पुट्टी लगाने के बाद मैंने वाटर अप्लाई करके इसे इवन बनाया, स्मूथ बनाया है. तो जो आपने फर्स्ट DIY देखा था ना वो रेडी है, और इसे मैं यहाँ पर स्टाइल करने वाली हूँ. अगेन टेराकोटा कलर आ गया, कैसा लगा है बताना ज़रूर. टेराकोटा रखूँ कि उसे वाइट पेंट कर दूँ? तो ये प्लांट स्टैंड तैयार है, उसके बाद ये पेंटिंग रिमूव कर दिए. यस, यहाँ पे हम वो मिरर ऐड करने वाले हैं जो इस पूरे एरिया को ना बहुत ही क्या बोलूँ, पिंटरेस्ट वाला बना रहा है ना. कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो देखा आपने कितने अफोर्डेबल तरीकों से आप अपने घर को पिंटरेस्ट स्टाइल वर्दी बना सकते हैं. हर सैटरडे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.